मेरा नाम जयप्रकाश है। हाँ? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, कृष्णा नगर का। ठीक है, जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मेरी मैं ही एक पेशेंट हूँ, मैं ही पेशेंट था पूरे घर में। ठीक है, मैं यहाँ पे जब पहली बार आया था बहुत परेशान था, कुछ कोई काम नहीं हो रहा था, सारे काम बिगड़ रहे थे, दिमाग इतना बदल था कि कोई कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था। बाबा के यहाँ आया मैं, हवन करे नमन करा, हवन के भी पैसे नहीं थे, एक महीने में एक हवन होता था उस टाइम पे। हवन आगे करे सब कुछ करा, आज से 9 साल पहले पराठे की दुकान थी दिल्ली कृष्णा नगर में भड़गूजा वाले के पास। ठीक है, वहाँ पे 9 साल पहले दुकान थी, सारा सब ठप हो गया, बेकार हो गया, कुछ नहीं था, सब कुछ बर्बाद था। बाबा ने हाथ पकड़ा, यहाँ दोबारा से ही वही काम बाबा ने सारे पूर्वजों को हटा के, जो मेरा पूर्वज करता था वो काम वो ही बचा हमारे पास, जो पराठे का काम करता था वही पूर्वज बचा, ये हकीकत है, वही पूर्वज बचा है हमारे पास और वही साथ दे रहा है यहाँ पे। वही पूर्वज है, उसने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया कि मेरे अंदर हुनर है, उसने ही डाला था, उसके साथ ही मैं सीखा था। हाँ। पूर्वज के साथ ही और लाडन बाबा ने कही थी वही पूर्वज है तुम्हारा, जो तुम्हारा वही, तू मर चुका था वही तुझे जिंदा रख रहा है जब तक वो है, वो जब तक तेरे साथ है तेरा कोई कुछ नहीं रखा, इतना विश्वास है बाबा में, सब कुछ ठीक हो जाए। जय बाबा, जय सरकार की जय। बोला मेरी अर्जी लगी दरबार में प्रभु प्रभु प्रभु, मेरी अर्जी लगी दरबार में प्रभु, मेरी अर्जी लगी दरबार में प्रभु, दिन मर्जी मैं आपकी तो आया नहीं, मेरी अर्जी लगी दरबार में प्रभु, बिन मर्जी में आपकी तो आया नहीं, मेरी अर्जी लगी दरबार में प्रभु, बिन मर्जी में आपकी तो आया नहीं, वो पहुँचता नहीं दरबार में यहाँ, वो पहुँचता नहीं दरबार में यहाँ, जिसको बाबा ने मेरे दो